भाई एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा अभी, एक क्विज है। तो मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी के अंदर क्विजिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं क्लास के अंदर बहुत सारी क्विज ऑर्गेनाइज करता हूँ और बहुत ही फोकस्ड क्वेश्चन पूछूंगा जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। आज मैं आपको उसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि कैसे पढ़ाते वक्त क्विजिंग की हेल्प से हम किसी को मेमोराइज करा सकते हैं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज होती हैं फिजिक्स के अंदर, लेकिन उसको हमें सिंपल बनाना है जिससे कि एक साधारण आदमी भी उसको समझ सके, राइट? ये हमारा पर्पस होता है कि हम बेसिकली इतनी सारी मुश्किल इंग्लिश लिखी है एनसीईआरटी के अंदर और दूसरी किताबों के अंदर, उसको कैसे समझें। मटीरियल अवेलेबल है लेकिन समझाने वाला अवेलेबल नहीं है। तो आप देखिए उसका एग्जाम्पल मैं आपको अभी, मैंने आप नीट के क्वेश्चंस को देखिए, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, ट्रिकी और लेंदी तीनों उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि नीट के पुराने पेपर्स थोड़े इजी थे और एनटीए ने इस बार ये 100% डिसाइड करा कि हम अब नीट के जो क्वेश्चन पेपर है उनका स्टैंडर्ड एलिवेट करेंगे। तो लगभग उन्होंने कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल लेंदी बना दिए, ट्रिकी बना दिए और मल्टी कॉन्सेप्ट बना दीजिए, मतलब लगभग जेई मेंस के बराबर तो नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट उसी डायरेक्शन में। आपको सोचना पड़ेगा क्वेश्चन करने से पहले, सिर्फ आप हल्के हल्के क्वेश्चन करके जाएंगे उससे काम नहीं चलेगा। तो मैं आपको आज बोल रहा था कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा जहां पे हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से जो बुक्स में लिखा होता है और समझाया जाता है, मैं उसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखिये मेरी क्विज है और मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आपको समझाता हूँ। देखिए दो, जब आप डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन या मैटर पढ़ते हैं, दोनों की डुअल नेचर होती है, मैटर की भी डुअल नेचर होती है और पार्टिकल की भी डुअल नेचर होती है। जब मैटर की डुअल नेचर होती है तो वो पार्टिकल प्रॉपर्टीज भी दिखाता है और वेव प्रॉपर्टीज भी दिखाता है। जब हम बात करते हैं वेव्स की, रेडिएशन जैसे है, तो वो भी डुअल नेचर दिखाता है, वो भी वेव नेचर भी दिखाता है और पार्टिकल नेचर भी दिखाता है। जो वेव का, जो ईएम वेव्स का जो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर है, और जो मैटर का पार्टिकल नेचर और वेव नेचर है, ये दो सेपरेट थीम्स हैं। मैंने आपको एक वीडियो में समझाया था कि ये एक डी ब्रॉगली साहब थे और एक आइंस्टाइन साहब थे, उन दोनों ने करा। लेकिन मेरा क्वेश्चन आज बड़ा फंडामेंटल है। और देखिए क्विजिंग का आप जादू देखिए कि क्विजिंग से क्लासरूम के अंदर या ऑनलाइन टीचिंग के अंदर आप कैसे सामने वाले को अलर्ट करके याद करवा सकते हैं डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को। देखिए ब्रॉडली ये तो नोन है कि इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है, राइट? ये पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, ये हमें पता है, इट्स अ पार्टिकल। और एक फोटोन होता है, राइट? फोटोन जो है वो बेसिकली वेव के अंदर क्वांट ऑफ एनर्जी है, डिस्क्रीट क्वांट ऑफ एनर्जी, उसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है, एच न्यू, ये आइंस्टाइन वाली डायरेक्शन है। तो ये जो बेसिकली फोटोन है, ये बेसिकली है तो वेव, ईएम वेव आती है या उसका एच न्यू होता है, कोई भी वेव हो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो फोटोन उसके अंदर पैकेट्स बोलते हैं, पैकेट्स है। इलेक्ट्रॉन के पास, एक मूविंग इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होती है, यस, फोटोन जो ईएम वेव है, मान लीजिए रेड लेंथ की है, उसके पास एनर्जी होती है, यस, वो भी हमें मालूम है, यही एनर्जी होती है उसकी। हम लिखते हैं इसको E इज इक्वल टू एच न्यू। इलेक्ट्रॉन के पास, फोटोन के पास, इलेक्ट्रॉन के पास मोमेंटम होता है, होता है, इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, वेलोसिटी होगी तो मोमेंटम भी हो जाएगा। पुराने 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा मोमेंटम का कॉन्सेप्ट, एम इन टू वी। अब सवाल है, जो फोटोन है उसके पास मोमेंटम होता है कि नहीं होता है? पहला क्विज, फोटोन के पास मोमेंटम होता है कि नहीं होता है? सोचिए, पूरे चैप्टर में डुअल रेडिएशन की अगर आपने पढ़ा है तो आपके दिमाग में कहीं आपने देखा कि फोटोन के मोमेंटम के बारे में बात करी गई है,
एक और चीज, तो एक तो पोएसी हो गई है, तीसरी चीज भी हमें मालूम है, इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है। यस, इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है। अगला सवाल, फोटॉन के पास मास होता है? नहीं होता। अब अगर फोटॉन के पास मास नहीं होता तो फोटॉन के पास मोमेंटम कैसे होगा? क्योंकि मोमेंटम तो मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी होता है। मोमेंटम क्या होता है? मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो अगर मैं मोमेंटम लिखूं इज इक्वल टू दिस, फोटॉन का मास ही जीरो है, तो इस लॉजिक से तो मोमेंटम ऑफ फोटॉन शुड बी जीरो। जीरो मल्टीप्लाई बाय वी इज इक्वल टू जीरो। गलत। ये जो मैंने लिखा है बेसिकली, इससे तो ये साबित हो गया कि फोटॉन मासलेस होता है, इट हैज नो मास, तो उसका मोमेंटम भी नहीं होगा, लेकिन फोटॉन का मोमेंटम होता है। तो यहां पे आंसर है यस। पहला क्विजिंग में मेंटल आपको पिक्चर बनानी है, फोटॉन का मोमेंटम होता है चाहे उसका मास नहीं है। अभी प्रूव कैसे हुआ? ये प्रूव हुआ बेसिकली, अगर आप ध्यान से देखें तो जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल होता है जिसका एक वर्क फंक्शन होता है। मान लीजिए आपका ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, यहां से एक फोटोन आया, उसने इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराया, मतलब वो बेसिकली इस तरह से गया कि उसका वो इलेक्ट्रॉन से टकराया और उसने इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर खदेड़ दिया, उस फोटो सेंसिटिव मटेरियल से बाहर आ गया इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब वो टकराना जो कोलिजन है, वो तो आपने मोमेंटम में भी पढ़ा है, इनइलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, अलग अलग तरह के कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से साबित होता है कि फोटॉन के पास भी मोमेंटम है, फोटॉन के पास एनर्जी है मालूम है, फोटॉन के पास मास नहीं है। तो इंप्रेशन ऐसा जाता है कि फोटॉन के पास मोमेंटम भी नहीं है, लेकिन फोटॉन का मोमेंटम होता है। अगर नीट में क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि फोटॉन के पास मोमेंटम होता है, तो वो एक्सपेरिमेंट, बेसिक एक्सपेरिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। और हमारे कोर्स के अंदर बेसिकली एक इफेक्ट होता है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन ने एक एक्सपेरिमेंटली इसी चीज को प्रूव कर दिया, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन है कि मोमेंटम एग्जिस्ट फॉर अ फोटॉन, किस एक्सपेरिमेंट या किस थ्योरी से मालूम चला, तो आप बोलेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी से मालूम चला, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर एक रे आती है, वो एक फोटो सेंसिटिव मटीरियल पर टकराती है, और फोटो सेंसिटिव मटीरियल से टकराना जो कोलिजन है वो मोमेंटम का इंडिकेशन है, संदेश है, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है वर्क फंक्शन को ओवरकम करने के बाद। कुछ तो एफर्ट करना पड़ता है मेटल से बाहर निकलने के लिए। ये जो फोटो सेंसिटिव मेटल है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, आप फोटोन भेजेंगे तो निकलेगा नहीं, उसके पीछे भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कौन सी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे निकलेगा, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाएगी जिसको वर्क फंक्शन बोलते हैं, और बाकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, वो दूसरा टॉपिक है। लेकिन आप देखिए कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स, इलेक्ट्रॉन और फोटॉन का फर्क बताएं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि फोटॉन हैज मोमेंटम एंड इलेक्ट्रॉन हैज मोमेंटम, ट्रू और फॉल्स? आंसर है ट्रू, फोटॉन के पास भी मोमेंटम है। बहुत सारे बच्चों को इंप्रेशन है कि फोटोन और इलेक्ट्रॉन में कॉमनलिटी क्या, कि सिर्फ एनर्जी है दोनों में, डिफरेंस क्या है, एक के पास मास है एक के पास मास नहीं है, मोमेंटम को लेके डाउट है। मोमेंटम प्रूफ किस इफेक्ट से होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से होता है। तो आप बहुत ध्यान से डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, नाउ आई टीच वेरी डिटेल्ड, लेकिन बहुत इजी तरीके से, स्टोरी की फॉर्म में, क्विजिंग की फॉर्म में, तो जिससे कि मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल होता है जो बुकलेट्स और ये वगैरह वगैरह है, उसको पढ़ने के लिए आपको हफ्ते लग जाएंगे, मैं
मैं आपको उसको ही अपने 15 मिनट के 10 मिनट 5 मिनट के लेक्चर में खत्म कर दूंगा। आपको समझ में आ जाएगा, पिक्चर बन जाएगी आपके दिमाग में कि फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या अंतर है। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। फिजिक्स का जो नीट का पैटर्न इस समय चल रहा है उससे साफ साफ दिखता है कि अगर आप ऑर्डिनरी जगह पे या ऑर्डिनरी तरीके से उसको पढ़ेंगे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट के लिए आपको स्पेशलिस्ट से पढ़ना चाहिए जो उसमें सबसे ज्यादा डीप है, क्योंकि एक जगह पे आपको तीनों सब्जेक्ट मिल गए, आपका टाइम बच गया, लेकिन आपका फिजिक्स अगर रह गया उस चक्कर में क्योंकि आपको एक ही जगह पढ़ना है, तो आप ये मान के चल लीजिए कि आपके दो सब्जेक्ट ठीक जाएंगे, एक सब्जेक्ट खराब हो जाएगा। तो पढ़ाई का जो असली तरीका वो है आप उसको स्पेशलिस्ट से पढ़िए। रैंकर्स और सिलेक्शन वाले स्टूडेंट शुरू में सब एक ही जगह जाते हैं जहां पे सब कुछ पढ़ाया जाता है, टाइम बचता है ट्रांसपोर्टेशन का। वो टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है ट्रांसलेट होता है कम से कम फिजिक्स में 30-40 क्वेश्चन, 30-40 नंबर आपके कम हो जाएंगे, 6 क्वेश्चन गलत, 5 क्वेश्चन गलत, और आपकी रैंक बिल्कुल इट विल गो फॉर अ टॉस। ऑलवेज लर्न फ्रॉम द मास्टर्स, ऑलवेज लर्न फ्रॉम द पीपल जो फिजिक्स को बड़े सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझा सकते हैं। देखिए थोड़ा सा लेवल फिजिक्स का जो लेवल है साफ साफ दिखता है कि बढ़ता जा रहा है। अब आप ऑर्डिनरी तरीके से पढ़ेंगे तो उससे काम नीट में नहीं चलेगा, आपको बेसिकली स्पेशलिस्ट से पढ़ना है। आपको जो है कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल समझने में बहुत टाइम लग जाएगा, उसको सिंप्लीफाइड वर्जन में स्टोरी की फॉर्म में ऐसे पढ़ाता हूं मैं, जिसमें बहुत सारी क्विजेस भी होती हैं, क्विज होती है, क्लासरूम के अंदर ही आपको सब मेमोराइज हो जाएगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है 30-40 क्वेश्चन की, एंड दैट्स ऑल। सो उम्मीद करता हूं यू लाइक दिस वीडियो एंड आई विल प्रिपेयर मोर वीडियोस फॉर योर बेनिफिट। कीप फॉलोइंग मी। थैंक यू वेरी मच।